एंड वेलकम टू माय चैनल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी बी पी दिल्ली के बारे में एंड वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज है दिल्ली में तो आज के इस वीडियो में हम इसी कॉलेज के बारे में रिव्यू करने वाले हैं जानेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में कौन है इसके प्रिंसिपल इसकी फैकल्टीज कैसी है कोर्सेज कौन से है एट इसके इसमें स्कॉलरशिप्स है या नहीं है और भी बहुत सारी चीजें तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं चलिए यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि इस चैनल पर हमने लगभग लगभग तीन से चार कॉलेज की अभी तक कॉलेज रिव्यू कर दिया है एंड फर्दर और भी कॉलेज रिव्यू आती रहेगी इस चैनल पे मेक श्योर sure आप सब्सक्राइब करिए एंड अभी तक अगर आपने उन कॉलेजेस के रिव्यू नहीं देखे तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं राइट प्ले मैंने आपके लिए स्पेशल बना दिया है आप उसमें जाके आप देख सकते हैं तो चलिए वीडियो को शो करते हैं जेवीपंथ के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले यार ये इसका लोगो है एंड ये कहाँ पर उपस्थित है ओखला न्यू दिल्ली ट्वेंटी पे उपस्थित है एंड ये इस कॉलेज का फ्रंट व्यू है राइट जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज इस तरीके का दिखता है एंड देन नीचे चलते हैं अगर प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो श्री आर के मंगोच सर जी है एंड टेलीफोन की अगर बात करें तो अगर आप फर्दर और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस टेलीफोन नंबर पे जाके पूछताछ कर सकते हैं राइट देन चलते हैं ई मेल पे अगर आपको फर्दर कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो आप यहाँ के कॉलेज इस कॉलेज के जो ई मेल आई डी है उस पर आप मेल कर सकते हैं इनकी जो ई मेल आई डी है वो जी बी पी पी टी टी ई डॉट डेली एट द रेट एन आई सी डॉट इन है एंड आप इस ई मेल पर जा भी इनको मेल कर सकते हैं एंड फर्दर अगर आपको और भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं तो नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कॉलेज नेम क्या है कॉलेज नेम इस कॉलेज का नाम जो है वो गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये दिल्ली में इस उपस्थित है एंड इसका जो पॉपुलर नाम है इसको जिस नाम से जाना जाता है वो है जी बी पी आई टी जी बी पी आई टी डेली राइट right? यह इस कॉलेज का शॉर्ट फॉर्म है और इस कॉलेज के नाम से ही इस नाम से ही इस कॉलेज को जाना जाता है यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी नाम से इस कॉलेज को जानते हैं एंड विख्यात भी है इसी कॉलेज से पॉपुलर नेम राइट देन लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज उपस्थित है यह ओखला इंडस्ट्रियल ईस्ट फेस थ्री में उपस्थित है जहाँ का पिन कोड है वन वन right? जीरो जीरो टू जीरो राइट एंड एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो कौन से ईयर में यह एस्टेब्लिश हुआ था वन नाइनटीन सिक्सटी में हुआ था राइट नाइनटीन सिक्सटी वन से कॉलेज है एंड एफिलेटेड टू बेटी ई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राइट ये भी बेटी ई से एफिलेटेड है एंड अप्रूव्ड बाई ए आई सी टी ई से अप्रूव्ड है अगर कॉलेज टाइप की बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है राइट right? देन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है कोर्सेज ऑफ कौन कौन से कोर्स ये प्रोवाइड करता है बेसिकली ये तीन कोर्स प्रोवाइड करता है जिसमें इंक्लूडेड डिप्लोमा पार्ट टाइम डिप्लोमा एंड बी वॉक चलिए इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से इसमें ब्रांचेज है फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा की बात करते हैं अगर डिप्लोमा की बात करते हैं इसमें फाइव डिप्लोमा कोर्सेज है डिप्लोमा तो इन ऑटोमोबाइल सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड डिप्लोमा इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर बात करें इनके स्टूडेंट सीट्स की तो ऑटोमोबाइल में सेवेंटी सीट्स है दैन अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो लेटर एंट्री के लिए जो सीट्स है वो सेवन सीट्स है एंड ड्यूरेशन की बात करें तो थ्री इयर्स ये बेसिकली जो डिप्लोमा है पूरे तीन इयर्स का ही होता है आप देख सकते हैं हर एक कोर्स में थ्री इयर्स दे रखा है एंड फिर सिविल की बात करें तो इसमें भी सेवेंटी सीट्स इनटेक के लिए एंड लेटर एंट्री के लिए सेवन सीट्स है इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम है सेवन सेवेंटी सेवन एंड मैकेल इंजीनियरिंग के लिए थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स है इस कॉलेज में वन फोर्टी थ्री फॉर टेंथ बेसिस राइट एंड लेटर एंट्री की बात करें थर्ड सेमेस्टर के लिए तो फोटीन सीट्स अवेलेबल है इस कॉलेज में देन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक और कोर्स है इस कॉलेज में एंड इसकी भी सीट सेवेंटी रेशो सेवन में है देन चलते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज पे कौन कौन से कोर्स है पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए इस कॉलेज में तीन कोर्सेज हैं डिप्लोमा एंड सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें जो सीट्स इनटेक है वो सिक्सटी थ्री है तीनों में एंड लेटर एंट्री के लिए इसमें कोई जगह नहीं है डिप्लोमा पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए इसमें कोई लेटर एंट्री के लिए कोई भी सीट्स नहीं है एंड अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये भी थ्री ईयर्स की ड्यूरेशन में कवर्ड हो जाता है एंड चलते हैं बी वॉक के बारे में जानते हैं बी वॉक के लिए कितनी सीट्स है कितनी ब्रांचेज है बी वॉक के लिए थ्री ब्रांचेज है जिसमें यह ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड बी वॉक इन रेफ्रिजरेशन एयर कंडक्शनिंग इसमें टोटल फिफ्टी फिफ्टी सीट्स है हर एक ब्रांच में एंड इसकी कोर्स की ड्यूरेशन है थ्री इयर्स। तो सर्टिफिकेट लेवल विल लेट टू वन ईयर डिप्लोमा टू इयर्स ऑफ एडवांस डिप्लोमा एंड थ्री इयर्स फॉर डिग्री राइट दैन बात करते हैं इसकी फैसिलिटीज़ की इसमें भी फैसिलिटीज़ है जिसमें कि लाइब्रेरी है एन भी है राइट right? एन का या स्पोर्ट्स को इंटरनेट फैसिलिटीज भी है हॉस्टल्स है कैंटीन है एंड कॉन्फ्रेंस हॉल है एड ये सारी फैसिलिटीज है और भी काफी सारी फैसिलिटीज है लेकिन मुख्यतः ये फैसिलिटीज है एंड इसमें स्पोर्ट्स इस भी है एंड ओपन एयर जिम भी है जैसे कि आप पार्क में देखते हो आजकल पार्कस में ओपन जिम लगता है तो वैसे ही इसमें भी ओपन एयर जिम है आप जिम भी कर सकते हो डेन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप है इसमें कि एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं इसमें राइट जिसकी चार्जेस है फोर प्लस बैंक चार्जेस भी एक्स्ट्रक्ट्रा थी एक्स्ट्रा थी एंड फिर इसमें जो तीन तरीके की टेस्ट होती थी काउंसलिंग होती थी फिर एडमिशन सक्सेसफुली हो जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद बट 2019 की बात करें तो इसमें नो एंट्रेंस टेस्ट है बाकी वैसे एक स्टेप सेम है बट इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है आपकी बार इसमें जो फोर की जो चार्जेस थी टू तक वो घटाकर टू कर दी थी एंड वेबसाइट सेम है इसी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स एंड अगर टू तक टेस्ट में बंटा गया था चारों बट 2020 में 2020 में ये सारे टेस्ट को हटा के ग्रुप वाइज कर दिया गया क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था नहीं हो रहा है इस ईयर देन काउंसलिंग फीस आपकी वही रहेगी रैंक वैंक निकलने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी 700 प्लस बैंक चार्जेस लगते हैं एक्स्ट्रा का एंड फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है कॉलेज जाने के बाद फिर आपका एडमिशन है वो सक्सेसफुली ग्रांटेड हो जाता है आप उस कॉलेज में आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है राइट फिर बात करते हैं प्लेसमेंट कंपनी के लिए हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग प्लेसमेंट आती है राइट जैसे कि आप सभी को पता है हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग कंपनीज आती है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल करें तो बात करें ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की वर्कशॉप कंडक्टेड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स जिसमें इंक्लूड है एंटरप्रोन्यरशिप अवेयरनेस कैंप स्मॉल इस एंटरप्राइज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम एंड कैर टेक्नोलॉजी फिर आती जाती है अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी एटीन पूरी है एंड ऑटोमोबाइल के लिए अलग है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए अलग है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग है इतनी सारी कंपनीज है आप सब देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारी कंपनीज आती है इस कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए आप दैन बात करते हैं स्कॉलरशिप की इस कॉलेज में भी स्कॉलरशिप है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो इस कॉलेज में भी आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप की बात करें तो थ्री कैटेगरीज में स्कॉलरशिप को बांटा गया है जिसमें कि एस टी एस के लिए अलग है एंड ऑल कैटेगरीज के लिए अलग है फॉर गर्ल्स एंड ऑल कैटेगरीज फॉर बॉय के लिए ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं फिर स्ट्रक्चर इसकी वेबसाइट पर दे है फर्दर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्ट्रक्चर अलग से एंड आपको साइड डिटेल्स मिल जाएगी ये जो पी डी एफ है ये भी मैं देने की कोशिश करूंगा एंड आपके जो अलग से कंपनीज बाई हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग, अलग जो कंपनीज आती है वो उसकी भी मैं पी डी एफ बना के नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाके चेक कर लीजिएगा एंड आपको आई होप वीडियो अच्छी लगी हो होगी देन अगर अच्छी लगी है तो शेयर करिए लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलती है देन चलते हैं बाय बाय एंड अगला नेक्स्ट कॉलेज आपको आपको कौन सा कॉलेज अच्छा लगता है उसके बारे में कॉलेज रिव्यू करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे आइडिया दे सकते हैं कि अगला कॉलेज अगला टॉपिक क्या हो कौन सा कॉलेज हो हमारे लिए रिव्यू करने के लिए तो आई होप इस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स आपको मिल गई होगी इस पूरी वीडियो में राइट आप फर्दर अगर आपको जानकारी भी कम लग रही है तो आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाके देख सकते हैं ऑफिशियल साइट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इनका लिंक तो चलते हैं बाय बाय सेव गुड डे बाय